मोहसिन बिल्कुल तुम पे गया, बनी बनाई तुम्हारी शक्ल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो तो नाम इतना छोटा। चलो भाई लाए मुझे। सुहा ज्यादा देर इस तरह मत बैठा करो, कमर में दर्द हो जाएगा। आप ये बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी तो उठ कर बैठी हूँ। बस अब तुम आराम करो, इस कमरे को ना अपना कमरा समझो, ठीक है? और एक महीने तक तुम्हें हिलने की इजाजत ही नहीं है बस। अम्मी जान, बात करनी थी आपसे। अम्मी जान, कल सुहा के डैड मिले थे, उन्होंने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी मेरे कंधों पे। क्या? वो ये चाह रहे हैं कि उनका बिजनेस और ऑफिस मैं संभालूं। उन्होंने आधा हिस्सा सुहा के नाम कर दिया, अब उनकी ख्वाहिश है कि सारी जिम्मेदारी मैं ले लूं। सुहा को तो बड़ी खुशी हुई है सुन के, जाहिर है उनकी इकलौती बेटी है। अम्मी जान, मुझे भी ये लगा उन्होंने अपने घर का फर्ज समझ कर मुझे दिल से अपनाया है। यही सबसे अच्छी कैफियत है, माँ बाप का साया सर पे हो तो इंसान तरक्की करता है। आज मुझे अपनी जिंदगी में इतना इत्मीनान है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ है मेरे पास। हाँ ये तो सब ठीक है बेटा, लेकिन ऐसा ना हो उनके दिल में ख्याल आए कि ये सब कुछ तुमने सुहा के पैसे के लिए किया है। ऐसा हुआ तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगी। मैंने तुम्हारी तरबियत इस तरह नहीं की, बहुत उसूलों पर की है। अम्मी जान, मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। उन्होंने मुझे अपना बेटा कहा है, एक बेटा होने की हैसियत से मैंने उन्हें इत्मीनान दिया है कि जितनी फिक्र उन्हें सुहा के फ्यूचर की है उससे कहीं ज्यादा अच्छा फ्यूचर मैं उसे दे सकता हूँ। शायद मेरी इसी बात ने उनका एतमाद जीत लिया। खैर, मैंने उनसे कहा है मैं सोच के जवाब दूंगा उन्हें, फिलहाल तो मैंने आपको बताना था बस। मैं बच्चे के पास जा रहा हूँ सर। अरे नाश्ता तो बनाने दो पहले। नाश्ता बनाऊंगी क्यों, नाश्ता बना लिया मैंने आपके लिए। बैठो, कम ऑन बैठो। अच्छा इसको मुझे दो पहले। इसको मैं देख रहा हूँ, बैठो। लेट मी पैम्पर यू। तुम्हारा ऑमलेट, ब्रेड, मैं जूस डाल देता हूँ तुम्हारे। अम्मी को भी तो पूछ लेते पहले, अम्मी का नाश्ता भी तो बनाना है। बना लेंगे अम्मी के लिए भी नाश्ता, कोई बात नहीं। अभी अम्मी नहीं आ रही नाश्ते पे, थोड़ी देर में आएंगी। थैंक यू। You're welcome. बेड के साथ में खा लो ना। नहीं नहीं, मुझे इस तरह अच्छा लगता। ऐसा सो गया? हाँ हाँ सो गया। यहाँ क्यों खड़े हो, यहीं रहना क्या? नहीं नहीं ऐसे ही। यार आज बहुत खुश हूँ मैं, बहुत रिलैक्स हूँ। खुश तो आज मैं भी बहुत, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या बोला तुमने? मैं आज बहुत खुश हूँ। उसके बाद? इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मुझे आप कहा एक बार फिर कहना। I can't believe it. अच्छा अब तुम ज़्यादा ऊपरी एक्ट मत करो। तुम नहीं, आप, आप। Actually आप deserve नहीं करते, तो तुम्हारे लिए तुम ही ठीक है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ? नहीं अगर आप कहते हैं तो आज से मैं आपको आप कहना शुरू कर देती हूँ। After all आप शोहर हैं मेरे और आपके लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। इतना आप बोलोगी तो मुझे सिर्फ हंसी आएगी। प्लीज। य
यार बदल गई है, पुरानी वाली सोहा रही। पुरानी वाली सोहा इतनी बुरी भी नहीं थी। नहीं नहीं बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, जिद्दी थी, झगड़ती थी मुझसे, लड़ती रहती थी, मारती थी मुझे। I miss that. लड़ना मुझे अभी भी आता है। If you want, I can. हाँ तो लड़ो ना, मारो मुझे। Come on, let's fight. अच्छा अभी ये सब कुछ छोड़ो, ऐसे अंदर सो रहा है, let's go. No, let's go. अंदर नहीं, हमने जाना है, लेकिन अंदर नहीं जाना, कहीं बाहर जाना है। कहाँ? Drive पे जाना है हमें। Are you mad? अब long drive पर नहीं जा सकते, उसका ख्याल कौन रखेगा? तो छोड़ के नहीं जाएंगे, साथ लेके जाएंगे। अभी अभी तो सोया है। तो गाड़ी में भी सोता रहे। और फिर अम्मी? अम्मी अम्मी छोड़ दो सब, ये मसले खत्म नहीं होंगे कभी। लेट्स गो, लेट्स गो, उसको उठा और चलते हैं। कम ऑन। अरे कहाँ जा रही हो? क्या रहे हो? याद है एक बार मुझे गाड़ी में नहीं बैठने दिया था, आज तुम बाहर हो। एहसन सो रहा है। एहसन को मैं देख लूंगी, मुझे दिखाओ। ये देखो आराम से सो रहा है यहाँ। See, I can keep an eye on him. मैं चाहता था ये बात गाड़ी में भी कर सकता था, लेकिन मुझे बात तुम्हारी आंखों में देख के करनी। सोहा तो मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां लाए। मैं जब भी आंखें बंद करके सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत और कीमती चीज क्या है, तुम्हारा चेहरा आता है बस। तुमने अपनी मोहब्बत से ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे सारे घर वालों का दिल जीत लिया। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता है जब छोटा था तो अब्बा कहा करते थे कि अच्छा वक्त हमेशा मुश्किल और आजमाइशों के बाद आता है। सही कहते थे। याद है हमारी शादी के शुरू में कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियां आई थी, और अब देख लो तुम्हारी आला जरफी और अकलमंदी ने क्या हालात करती है यार, सब बदल दिया। तुमने मेरे घर वालों को इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि नफरत को जगह ही नहीं मिली। आज मेरा घर पहली बार मुझे मुकम्मल महसूस होता है। थैंक यू सो मच सोहा, मैं इसके लिए तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूंगा। Thank you so much, so much. ये सारी बातें करने के लिए यही जगह मिली थी। Thank you. No, thank you. आप चलें। Yes. नाच जाए इस औरत का, बेड़ा गरक, पता नहीं किसका रिश्ता लगा दिया यहाँ पे। जान अजाब हो गई, जब से आई है घर में मुसीबत ही खड़ी हुई, अजाब ही खड़ा हुआ हमारे घर में। आहिस्ता बोले, इस टाइम उसने सुन लिया ना तो एक नया तमाशा खड़ा कर देगी। क्यों आहिस्ता बोलूं, क्यों आहिस्ता बोलूं, किस चैनल के आहिस्ता बोलूं? और घर में रह क्या गया है तमाशा खड़ा करने को? सब कुछ तो खत्म कर दिया इसने। अम्मा उसने नहीं सुधरना, आप ही सबर का घूंट पी लें बेहतर है। क्यों क्यों मैं क्यों सबर कर लूं, मैं क्यों सबर करूं? मैं बता रही हूं अब किसको बता दे जाके? अब किसने कोई तमाशा लगाया ना तो इससे बड़ा तमाशा मैं खड़ा करूंगी, बता दे। कोई तमाशा नहीं खड़ा कर सकती आप, कोई उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता, खामोश रहे इसी में आफियत है। क्यों नहीं कर सकती कुछ? क्यों नहीं कर सकती? मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये मेरा घर है, या मेरी हुक्मरानी चलेगी। सुन ले जिसने सुनना है, मेरे शौहर का घर है, कोई मुझे मना तो करके देखे, घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगी मैं। मामा ये घर आपका था, अब नहीं है। ए क्या कह रही है? जी हाँ, जाहिद भाई ने जो अपने कारोबार के लिए सूद पे कर्ज लिया था ना, भाभी ने फौरन आके उतार दिए। जी सारी जिंदगी के लिए अब्बा और भाई अब उसके एहसान मंद हो गए। आपको क्या लगता है उसके आगे कौन जुबान खोलेगा? कोई भी नहीं खोलेगा। और मत भूले जाहिद भाई का कारोबार तकरीबन खत्म होने को है, घर में जो दाल रोटी आती है वो भी उसी की ही बदौलत आती है। तो अपनी जुबान और गुस्से पे ना थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो आपका मेरा हाथ पकड़ के भी हमें घर से बाहर निकाल देगी वो, देखती रहिएगा फिर। इसी तरह क्या कह रही है तू? ये कैसी बात कर रही? मुझे तो किसी ने बताया नहीं,
नहीं, ये तो मेरा घर है, मैं तो किसी को नहीं लेने दूंगी। ये सच बता दो, देख तू झूठ बोल रही ना, मेरे से हंसी कर रही है। अम्मा रोना बंद करें, अपने बेटे से पूछिएगा। मुझे बेटे ने भी तो नहीं बताया, ऐसे कैसे मेरा घर किसी को दे सकता कोई। मेरा घर अच्छा ना रोए ना कोई, मेरा घर तो मेरे से मेरा घर कैसे छीन लिया किसी ने। बस चुप कर जाना, हूँ मैं हूँ ना आपके साथ, बस आप ना परेशान हो। क्या कर लेगी तू, अलग परेशान करती रहती है मुझे। सच्ची बता, ले लिया उसने घर? जी सब ले लिया उसने, लानत पड़े। अरे वाह मेरा गुड्डा लाए, इधर लाओ, सो रहा है, सो रहा है। अम्मी जान एक इजाजत लेनी थी आपसे, सुहागे अब्बू और उनकी अम्मी जो हैं वो 6 महीने के लिए यूरोप जा रहे हैं। मैं सोच रहा था उन्हें खाने पे बुला लूं, फिर तो आना होगा नहीं, तो आज। हाँ हाँ, अगर तुम सोच रहे हो तो जरूर बुलाओ, मैं क्यों इतराज करूंगी, उनकी बेटी का घर है, हक है उनका, है ना। अब सब कुछ बेहतर हो गया तो क्यों ना बुलाएं उन्हें अपने घर। हाँ अच्छी तरह एहतमाम करना खाने पर। उसकी आप फिक्र ना करें, मैं और सुहा सारा एहतमाम कर लेंगे, बस मैं आपसे इजाजत लेना चाहता था। हाँ बुला लो। चल ठीक है, ये आपके पास है। थैंक यू अम्मी। अरे थैंक यू की क्या बात। आइए नाजो, आप यहाँ हैं, आइए प्लीज। थैंक यू। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। घर में तो कभी इसने चमचा तक नहीं उठाया। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इतनी घरेलू और जिम्मेदार हो गई है, कभी हिलकर पानी नहीं पिया इसने। सब लड़कियां अपने घर में काम करती हैं और अच्छी लगती हैं काम करते हुए, इसमें क्या बात है इसे? मैं तो खुद हैरान होता हूँ इसे देखकर। ये वही सोया है जो पहले सिर्फ ऑर्डर्स देती थी। अब ऐसे बेटा मौसम, ये घर तुम्हारा कितना पुराना है? अंकल ये मेरे वालिद साहब ने बनवाया था, पहले तो खैर सिर्फ 2 कमरे थे, ये एक्सटेंशन हमने बाद में खुद करवाई है। अच्छा है। भाई माँ बाप का जो कुछ भी होता है वो औलाद के लिए तो होता है। मैंने लाहौर वाला घर भी सोहा के नाम कर दिया और कराची में भी इसके नाम का घर है और आलिया के नाम पे भी एक घर है, बल्कि मेरी कंपनी में तो इसके शेयर्स भी हैं, ये चाहे तो वहाँ काम भी कर ले। बस मेरा तो सब कुछ अपनी औलाद के लिए है, पहले सोहा थी सिर्फ, अब माशाल्लाह तुम भी हो और अब तो मेरा पोता भी आ गया। थैंक यू अंकल। असल में माँ बाप सिर्फ अपनी औलाद को खुश देखना चाहते हैं, अपने घर में बसावा देखना चाहते हैं, बाकी दौलत तो सिर्फ आने जाने वाली चीज है। हाँ मेरा मगर सब कुछ सोहा के लिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम दोनों ही सब चीज़ों को संभालो। बहुत मज़े का तुमने बनाया। जी
मम्मी क्या हो गया, क्यों रो रही हैं? आप मुझे बताएं अगर कोई बात हुई है तो किसी ने कुछ बोला है? क्यों रो रही हैं आप इस तरीके से, कुछ तो बताइए। मेरा मगर सब कुछ सुहा के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम दोनों ही सब चीजों को संभालो। ऐसा ना हो उनके दिल में ख्याल आए कि ये सब कुछ तुमने सुहा के पैसे के लिए किया है। ऐसा हुआ तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगी, मैंने तुम्हारी तरबियत इस तरह नहीं की। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सुहा मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता, तुम्हारे डैड ने जो कहा ठीक है, उन्होंने जो प्रॉपर्टी घर तुम्हारे नाम किए हैं मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। तुम उनकी बेटी हो, तुम्हारा हक है, तुम जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी गुजारो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, मैं लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। वो स्टॉप, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे ये कहूँगी कि तुम ये घर छोड़ कर मेरे साथ वहाँ मूव कर जाओ? मोहसिन, बाबा ने जो कुछ भी कहा है वो उनकी अपनी ख्वाहिश थी, उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। एंड यू रियली थिंक मैं तुमसे ये कहूँगी कि तुम अम्मी को और नाजो को यहाँ पर अकेला छोड़ दो और मेरे साथ उस घर में चले जाओ? मैं खुद भी ये घर छोड़ कर नहीं जाना चाहती। और जहाँ तक बात है बाबा का बिजनेस संभालने की, मैं सिर्फ इतना कहूँगी तुम एक दफ़ा बाबा से मिलकर देख तो लो, डिसीजन तुम्हारा अपना है, मैं तुम्हें बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करूंगी। लेकिन मुझे पता है कि बाबा ने तुमसे ये बात क्यों की है, हमारे अलावा उनका और है कौन? लेकिन फैसला तुम्हारा। प्लीज कल को मैं जो भी फैसला करूं, हो सकता है वो मेरी समझ में आए तुम्हारी समझ में ना आए, डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, ओके? मुझे ना पहले कोई रिग्रेट हुआ है और ना आगे कोई रिग्रेट हुआ, और जब मुझे उस वक्त कोई रिग्रेट नहीं हुआ जब तुम छुप कर सिद्रा से शादी कर रहे थे, तो अब क्यों होगा? Oh my God, जान छोड़ दो उस बात की। I'm just kidding. Come on, कहां से उठा के बात कान ले आई तुम? Damn. अच्छा अब चलें? Oh yes. तुम्हारे डैड का फोन आया था, कह रहे थे कोई ज़रूरी बात करनी है, आज ऑफिस बुलाया है। मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ उन्होंने क्या ज़रूरी बात करनी है। मैंने तो कल रात को ही तुम्हें बताया था कि उनको क्या बात करनी होगी, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैंने मामा से बहुत डिटेल में इस बारे में बात किया है। वो कह तो रही हैं कि वो बाबा को समझाएंगी और मुझे लगता है कि वो मान जाएंगे, लेकिन प्लीज़ अम्मी के सामने कोई ऐसी बात मत करना, वो बहुत अपसेट हो जाएंगे। सुहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मुझ पर और मेरी फैमिली पर बहुत एहसानात हैं, इतने कि मैं शायद अपनी ज़िंदगी देकर भी उन एहसानात का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मैं तुम्हारे डैड का मुतालबा नहीं मान सकता। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ और बहनों को नहीं छोड़ सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ऑफ कोर्स आई डू, और मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती। ओके, लाए अम्मी से मुझे देते हैं, आप थक गई होंगी। नहीं भाई, अपने बच्चे को संभालते हुए भी कोई थकता है? इसके साथ तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता, और फिर हमने 5-5 बच्चे पाले हैं, पहली दफा थोड़ी है। हाँ, लेकिन आप आराम से चाय पी लें, इसे संभालने के लिए हम लोग हैं ना, लाए। नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगी, मोहसिन आएगा तो उसके साथ पीऊँगी, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन मोहसिन तो आज बहुत लेट आएगा,
एक्चुअली वो बाबा से मिलने उनके पास गया है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी मेरी, उसको तो काफी देर हो जाएगी, आप चाय पी लें। आओ पे गया। वेलकम टू योर न्यू ऑफिस। आज से तुम यहाँ की जिम्मेदारियां संभालोगे। अंकल सोहा बता रही थी आप तो 6 माह के लिए यूरोप जा रहे हैं, फिर इस तरह ये जिम्मेदारी मुझ पे कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ लेकिन मैंने अपनी सीट पोस्टपोन करा दी ताकि यहाँ के बारे में तुम्हें ब्रीफ कर दूँ, यहाँ की चीजें समझा दूँ। अंकल आप प्लीज। बस देखो मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा, इस कुर्सी के सही हकदार तुम ही हो। मुझे यहाँ के लिए एक बहुत ईमानदार मेहनती शख्स चाहिए था, और सबसे बढ़ के तुम हमारे अपने। ठीक है मैं कोशिश करूँगा जो आप चाह रहे हैं वो हो जाए, लेकिन वो बात जो आपने की थी घर दामाद वाली, आई एम सॉरी मैं वो नहीं मान सकता। मैं अपने फैसले पर अब भी कायम हूँ अंकल, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, सोहा भी बहुत खुश है मेरे साथ, मैं अपनी माँ और बहनों से दूर नहीं रह सकता, प्लीज आई एम सॉरी। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम और सोहा खुश हो तो हम भी खुश हैं इसी। एक्सक्यूज मी। जी जी मैं आ रहा हूँ, आलिए तुम चाय वगैरह मंगाओ, बैठो। जी मैं आता हूँ। रजा ने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें इसलिए सौंपी है कि उन्हें तुम पर पूरा एतमाद है, तुम्हारे और सुहा के अलावा उनका कोई नहीं है इस दुनिया में। वो बाईपास कराने जा रहे हैं, लेकिन प्लीज सुहा को ये बात मत बताना। लेकिन उन्होंने बताया क्यों नहीं इस बारे में? वो नहीं चाहते थे कि तुम और सुहा परेशान। एक्चुअली जब तुमसे शादी करके सोहा पहली दफा घर छोड़कर गई थी ना, तभी उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, और डॉक्टर ने उसी वक्त उनसे कह दिया था कि अगर दूसरा अटैक हुआ तो वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए जब अब सब चीजें सेटल हो गई हैं तो हम लंदन जा रहे हैं रजा के बाईपास के लिए। हमने बहुत अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया है वहां पर, लेकिन प्लीज तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सोहा को मत बताना, वो बहुत अपसेट होगी। लेकिन आंटी मुझे खुशी होगी अगर तुम रजा की ऑफर कबूल कर लोगे, और देखो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ हमारे घर शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन कभी कभी वहाँ का चक्कर जरूर लगा लेना सोहा के साथ, आखिर को वो सोहा का अपना घर है। ठीक है आंटी आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। चाय पिलाती हूँ। अम्मी जान कल सोहा के डैड मिले थे, उन्होंने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी मेरे कंधों पे। वो ये चाह रहे हैं कि उनका बिजनेस और ऑफिस मैं संभालूं। उन्होंने आधा हिस्सा सुहा के नाम कर दिया, अब उनकी ख्वाहिश है कि सारी जिम्मेदारी मैं ले लूं। आप यहां हैं, आइए प्लीज। थैंक यू। माँ बाप का जो कुछ भी होता है वो औलाद के लिए तो होता है, मेरा तो सब कुछ अपनी औलाद के लिए है, पहले सोहा थी सिर्फ, अब माशाल्लाह तुम भी हो। अभी पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है, 2 दिन से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। हाँ मुझे सोहा ने फोन पे बताया था इसीलिए मैं भाग के आ गई। क्या हुआ, क्या है उन्हें, कुछ कहा है उन्होंने? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रही हैं। मैंने इतनी दफा उनसे पूछा भी लेकिन उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि उनकी तबीयत खराब हो,
अक्सर पता नहीं है कि जब वो बीमार होती हैं तो अपने आप को कमरे तक महदूद कर लेती हैं। नहीं, उनके सेहत के साथ कोई इशू नहीं है, डॉक्टर चेक करके गया था, सब ठीक है। मुझे तो लगता है कि वो हमसे किसी बात पे बहुत नाराज हैं, आप पूछे तो सही जाके उनसे। ऐसा नहीं है, दरअसल इस उम्र में इंसान अक्सर तन्हाई का शिकार हो जाता है, औलाद सारी अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है, इसलिए इट्स क्वाइट पॉसिबल। लेकिन वो तन्हा तो है ही नहीं ना, एहसन पूरा दिन तो उनके पास होता है, उसके साथ ही खेलती रहती है, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा अटैच्ड हूँ अम्मी से। समझ नहीं आ रही। जान, बुलाया था आपने? हाँ, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बैठो। मैं मोहसिन से अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तुम उलझे उलझे से रहते हो, शायद माँ और बीवी के दरमियान बट रहे हो, तुमसे फैसला नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने सोचा है कि ये फैसला मैं खुद ही कर दूँ तुम्हारे लिए। तुम अगर चाहो तो सोहा के वालिद की बात मानकर उनके यहाँ जा सकते हो। अम्मी, क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। अम्मी प्लीज ऐसा मत कहें, आप कैसे सोच सकते हैं कि हम आपको छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे? कि मेरा भी तो घर है अम्मी, आपने एक दफा भी मुझसे पूछा कि मैं ये घर या आपको छोड़कर जाना चाहती हूँ या नहीं? मैं जानती हूँ आपको पापा की बातें बुरी लगी हैं और उनके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दें। अपनी सारी जिंदगी इन सब रिश्तों से महरूम रही हूँ अम्मी, मुझे यहाँ आकर पता चला है कि माँ बहन भाई रिश्ते क्या होते हैं। मैं अब दोबारा उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती अम्मी, प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने का मत कहिएगा, क्या इस घर में मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं? लेकिन हम इस घर में तुम्हें वो आराम को आसाइश नहीं दे सकते जिसकी तुम आदी हो, शायद तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए, तुम दोनों के मुस्तकबिल के लिए, एहसन के लिए ठीक ही सोचा। आप एक बहुत अच्छी माँ हैं। माँ की मोहब्बत क्या होती है, मैंने इस घर में आकर देखा है आपके साथ। मोहसिन ने मुझसे शादी करकर मुझे सिर्फ इज्जत ही नहीं दी बल्कि ये सारे रिश्ते दिए, और अब मेरे लिए इससे ज्यादा पढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती अम्मी, प्लीज अपने आप को मुझसे दूर मत करें, प्लीज। अम्मी जान, ये आज जो सब कुछ है ये सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से और सोहा के नसीब से है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपको और इसे इस घर में खुश देखना चाहता हूँ, बस हमें सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए ताकि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम जैसी हीरा बहू मिली, पता नहीं मेरे खुदा को मेरी कौन सी अदा पसंद आई, वरना मैं इस लायक नहीं थी। मैं आपकी बेटी बनकर आपके साथ रहना चाहती हूँ अम्मी, मैं यहाँ आपसे कुछ भी छीनने नहीं आई थी, मैं तो आप लोगों से मोहब्बत चाहती हूँ। और अम्मी, ये जो रिश्ते मुझे अपनी जिंदगी में नहीं मिले, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा इन रिश्तों के साथ पड़ा हो, मैं उसको इससे महरूम नहीं करना चाहती, प्लीज अम्मी हमें यहाँ से जाने का आइंदा मत कहिएगा, आप वादा करें मुझसे आप आइंदा नहीं कहेंगी, प्लीज। Thank you.
जानती थी तुम्हारा यही फैसला होगा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अपने करोड़पति ससुर के इतने बड़े कारोबार को चलाने से कभी इनकार न करता। मगर तुमने आज ये साबित कर दिया कि तुम्हारे नजदीक दौलत से ज्यादा रिश्ते की अहमियत है। आज मुझे अपनी तरबियत पर फख्र हो रहा है। अम्मी, आपने ना सोहा को दिल से कबूल करके बहुत आला जर्फी का सबूत दिया। देर से इसलिए, लेकिन आपको एहसास तो हुआ कि आप गलती पर थी। अपनी गलतियों का एहसास तो मुझे बहुत पहले हो गया था, पर ये जो अना होती है ना, सारे काम बिगाड़ देती है। हमें अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों का एतराफ ही नहीं करने देती। इस अना के हाथों मैंने बहुत नुकसान उठाया, पर अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे अकल आ गई है। सोहा है ही बहुत अच्छी। उसने अपनी मोहब्बत से, अपनी समझदारी से हम सबके दिल में अपना घर कर लिया। मोहसिन बहुत खुशकिस्मत है जो उसे सोहा जैसी बीवी मिली। सही कह रही हैं। और आपको पता है, ये दोनों आपके इस बदले हुए रवैये से कितने खुश हैं। आप भी कैसी है, बात हुई उससे? बहुत खुश है। मेरे दिल से तो मनो बोझ उतर गया है जहाँ आरा को उसके घर का करके। बरकत भी बहुत अच्छा। आप ठीक कह रही हैं, बरकत भाई बाकी बहुत अच्छे और बहुत खुश रखेंगे आप ही को। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी को उसके सबर का फल मिला और वो जाहिर उस कमबख्त को अपने किए की सजा मिली है उस शगुफ्ता डायन की सूरत में। आपको पता है शादी पे सफिया पप्पू और उनके घर वाले किस रश्क से देख रहे थे। बस बस, मेरे सामने तो उन मनहूसों का नाम भी मत लेना। बहुत जुल्म किया उन्होंने मेरी बेटी के साथ। तुम देखना, जाहिद खून के आंसू रोएगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। चले छोड़े, चाय बना के लाऊं आपके लिए? आज सब लोग कितने खुश लग रहे हैं ना? All because of you. You know what? मुझे अपना फोन दो। Thank you. Attention everyone. तो आज के दिन आप सब लोग क्या कहना चाहेंगे? आप ही से शुरू करते हैं सबसे पहले। आप ही, आप क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँ सुहा? बस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज हम पूरी फैमिली एक साथ है, आबाद है, खुश है। थैंक यू। बरकत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है इतने अच्छे लोगों की तरफ। खालिद भाई, आप क्या कहेंगे? भाई बतूल बोलेगी। अच्छा अच्छा, मैं बोलता हूँ। इतनी खुशी का मौका है कि हम लोग सब साथ हैं और खुश हैं। और ये देखो हम सब खुश हैं। आ जाओ बतूल। मैं क्या बोलूं, ये इतने खुश हैं और सबके साथ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। सो अब मैं क्या कहूं अब? मैं भी बोलूंगी। भाभी थैंक यू सो मच, हम सब आपकी वजह से इतना खुश हैं। लव यू सो मच। अम्मी आप क्या कहेंगी? अरे नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं कहना। अम्मी बोले ना। नहीं नहीं, मुझे ये क्या, तुम फोन हाथ में लेकर आ गई हो, मैं नहीं बोल सकती ना, क्या बोलूं? कुछ तो बोले ना। बस मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सब लोग खुश हैं यहाँ पे, हमारे घर में रौनक है, और ये सब मेरी बहू की वजह से है। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम मेरे बेटे को खुश रखो। आज से ये घर तुम्हारा है, सारी जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। खुश रहो और सब लोग खुश रहे। और आप क्या कहेंगे? सोहा जानती हो आज ये सब लोग इतने खुश क्यों हैं? मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरा पूरा खानदान, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये खुशी तुमने इन्हें दी है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। खुशी मुकम्मल अच्छी लगती है, अधूरी नहीं। यहाँ मेरे पास, यहाँ एक बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। क्या? आई लव यू। आई लव यू टू। आई नो। सब यहाँ देखेंगे। ठहरो 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 भाई, ये भी वो देखो
वो देखो। हाँ चलो